अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द करंट अपडेट्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मकानात हायरिंग वज़ारत ख़जाना की 50% इजाफ़ा की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने मुलाज़मीन के मकानात की हायरिंग में 50% इजाफ़ा की वज़ारत हाउसिंग की समरी की मुखालफत करते हुए 25% इजाफ़ा की तजवीज़ पेश कर दी। वज़ारत ख़जाना तजवीज़ हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। वज़ीर हाउसिंग ने बजट से कबल वफाकी मुलाज़मीन के मकानात की हायरिंग में 50% इजाफे की समरी वज़ारत ख़जाना के ज़रिए वज़ीर आज़म को भिजवाई थी। वज़ारत ख़जाना ने हायरिंग में इजाफा की समरी पर एतराज़ किया था, जिसके जवाब में वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने जवाब देते हुए कहा था कि निजी मकान मालकान के साथ माहिदा के मुताबिक हर 3 साल बाद मकानात की हायरिंग में 25% इजाफा हो जाता है। वज़ारत हाउसिंग ने जवाब दिया था कि इक्तसादी सर्वे के मुताबिक महंगाई, पेट्रोल, गैस और पानी की कीमतों में इजाफे के बाइस मकानात के किराया में इजाफा हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हालिया सर्वे में इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मकानात की हायरिंग में 44% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वज़ारत हाउसिंग ने वज़ारत ख़जाना से दरख्वास्त की थी कि हायरिंग में 50% इजाफे की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाई जाए, ताहम वज़ारत ख़जाना ने सिर्फ 25% इजाफे की तजवीज़ दी है। इसी तरह वज़ारत ख़जाना 25% इजाफे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। तो नाज़रीन, ये थी मकानात की हायरिंग के हवाले से करंट अपडेट्स जो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।